सो हैलो एवरीबडी वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल डेली एंथ्रोपोलॉजी राइटिंग एंड एवेलुएशन सीरीज दैट इज द डेयर सीरीज और अगर आप बेसिकली uh, इसके अंदर जो है वो हम रियल टाइम इंसाइट्स रियल टाइम एवेलुएशन देते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉपी को एवेल्युएट किया जाए रियल टाइम इंसाइट्स आपको मिले तो यू कैन सेंड यूर आंसर कॉपी ऑन दिस नंबर एंड आई विल एवेल्युएट दैम ठीक है तो विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ये सवाल जो है वो लिखा गया था अब देखो ऐसे क्वेश्चन दे आर वेरी कॉमन इन यूपीएससी एग्जामिनेशन सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ऐसे बहुत बार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं आप लोगों से बट द थिंग इज बच्चे बहुत ज़्यादा इस इन तरह के सवालों में थोरेटिकल परस्पेक्टिव के अंदर जो है वो टिल्ट हो जाते हैं सोरेटिकल परस्पेक्टिव जैसे इन्होंने बहुत अच्छी थ्यूरी लिख दी लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ जो है मुझे इस आंसर के अंदर नहीं दिखाई देती इन्होंने लिखा दैट सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोसाइटी वेयर एज सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये एक सब डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी का जो कि एवोल्यूशन और वेरिएशन ऑफ द सोशो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटी के साथ जो है डील करता है बहुत बढ़िया से इंट्रोडक्शन कर दिया इंट्रोडक्शन में सारा का सारा जो क्रक्स है वो समा चुका है बहुत सुंदर किया है फिर उसके बाद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी में डिफरेंस क्या है ये एमिक ओरिएंटेड है ये पैटर्न ओरिएंटेड है पूरी की पूरी वैसे जो चीज़ें हैं जो बुकिश चीज़ें होती हैं उनको आपने बता दिया थ्यूरी को बता दिया सिमिलैरिटीज़ की बात आई तो उन्होंने कहा कि क्रोबर ने इनको ट्विन सिस्टर कहा था ठीक है फिर उसके बाद एम एन श्रीनिवास का एग्जाम्पल दे दिया कि वो जो है वो फैकल्टी थे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे ठीक है फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना दिया इन्होंने लेकिन एक भी जो है वो प्रैक्टिकल केस स्टडी मुझे यहां पे नहीं दिखती है उन्होंने ट्विन क्रोबर ने इनको ट्विन सिस्टर्स क्यों कहा क्योंकि देयर आर मेनी फील्ड्स जिसके अंदर ये दोनों ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं जैसे रिलीजन रिलीजियस स्टडीज के अंदर दोनों ब्रांचेज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं फैमिली को अगर आपने स्टडी करना हो तो दोनों ब्रांचेज की जो नॉलेज है वो आपको चाहिए होती है अगर आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है देन अगेन यू नीड सोशोलॉजी एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही इंटीग्रेशनिस्ट हैं दोनों ही इंटरडिसिप्लिनरी हैं ठीक है थीके? देयर आर सिमिलेरिटीज इसीलिए जो है वो क्रोबर ये बात कहते हैं एंड एटलीस्ट वन केस स्टडी जिसके अंदर दोनों की जो नॉलेज है वो यूज हुई हो आप जो है वो नुआर की केस स्टडी दे सकते हैं इवन पिटचड की इवन पिटच की नुआर की स्टडी के अंदर इवन पिटचर हैज यूज सोशोलॉजिकल नॉलेज उनकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनिस्ट

टू स्टडी दोसाइटी और टू स्टडी दोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू ऑर्क पीपल उसी के साथ आप जो है वो इमाइल डरकाइम की स्टडी जो है टोटम की स्टडी वो जो है वो कोर्ट कर सकते हैं अगेन दोशोलॉजिकल नॉलेज इट वॉज एडेड विद द एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड दोनों को एड किया गया एंड एवेंचुअली दिंग्स केम आउट तो कम से कम एक केस स्टडी जो है वो इसके अंदर मुझे मिलनी चाहिए इंटायरली एक थोरेटिकल अगर आप आंसर लिखते हो उसके अंदर आप एक भी प्रैक्टिकल के स्टडी नहीं लिख पाते हो तो इट विल भी डाउन साइड फॉर यू तो यहां पर मुझे किताबी चीजें बहुत सारी मिल चुकी हैं लेकिन एक भी प्रैक्टिकल चीज नहीं मिली जिसकी वजह से ऑब्वियसली आई विल डाउट योर अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली नंबर कटेंगे ठीक है सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट कि आपके आंसर्स को चेक किया जाए और आपको मैं इंसाइट्स दूँ तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आई वी अवेलेबल फॉर यू थैंक यू